तो फाइनली दोस्तों रियलमी U1 स्मार्टफोन के सक्सेसर यानी कि रियलमी U2 स्मार्टफोन को भी बहुत जल्दी इंडिया की मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें स्नैपड्रैगन 730G का SoC मिलेगा, 64 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरा का सेटअप और दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें सुपर एमोलेड पैनल मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रियलमी U2 स्मार्टफोन की। मैं आपको बताऊंगा कि ये स्मार्टफोन इंडिया की मार्केट में कब और किस प्राइस में लॉन्च किया जा सकता है। अगर दोस्तों आप सब कुछ जानने के लिए इंटरेस्टिंग हो तो बिना स्किप के वीडियो आज तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं मोबाइल फोन की डिस्प्ले से। तो ऐसे में दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें 6.4 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले मिलेगी। जहां दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें सुपर एमोलेड पैनल और एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें फुल व्यू डिस्प्ले मिलेगी और जो सेल्फी कैमरा होगा हमें पॉपअप कैमरे के रूप में देखने को मिल जाएगा, जैसे हमें रियलमी X स्मार्टफोन पर देखने को मिलता है। और अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो मोबाइल फोन पर हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G का SoC मिलेगा, यानी कि दोस्तों मोबाइल फोन से हमें अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस भी ले सकते हैं। वहीं ये स्मार्टफोन हमें अलग अलग रैम वेरिएंट्स में देखने को मिल जाएगा, जहां हमें दोस्तों 8GB की मैक्सिमम रैम देखने को मिलती है। वहीं दोस्तों अगर हम कैमरे की बात करें तो मोबाइल फोन के रियर पैनल पर हमें क्वाड कैमरे का सेटअप मिलेगा। जो मेन कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का रहेगा, जहां हमें सैमसंग G1 का सेंसर मिलेगा। सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का रहने वाला है, जिस पर हमें वाइड एंगल सेंसर मिलेगा। थर्ड सेंसर 2 मेगापिक्सल का, जो डेप्थ सेंसर है। फोर्थ सेंसर भी 2 मेगापिक्सल का मिलेगा, जो एक मैक्रो सेंसर रहने वाला है। ओवरऑल दोस्तों रियर साइड पर हमें एक अच्छा कैमरे का पैकेज देखने को मिलता है। फ्रंट साइड की बात करें तो मोबाइल फोन पर हमें पॉपअप कैमरे के अंदर 32 मेगापिक्सल का AI सेल्फी कैमरा मिलेगा। ओवरऑल दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें एक बेहतरीन कैमरे देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि रियलमी की U सीरीज सेल्फी सेंट्रिक सीरीज होती है, तो ऐसे में मोबाइल फोन पर हमें 32 मेगापिक्सल का बेस्ट सेल्फी कैमरा मिलेगा। वही पावर बैकअप की बात करें तो दोस्तों अभी तक इतना कन्फर्म नहीं है कि मोबाइल फोन पर हमें कितने mAh की बैटरी मिलेगी, बट दोस्तों लीक्स और रूमर्स की माने तो मोबाइल फोन पर हमें पावरफुल बैटरी मिलेगी जो 5000 mAh की रहेगी, जहां हमें टाइप सी पोर्ट और फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी मिलेगा। वही दोस्तों मोबाइल फोन की सिक्योरिटी के लिए हमें एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। वही दोस्तों मोबाइल फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 10 के साथ आ सकता है और दोस्तों ये स्मार्टफोन हमें रियलमी की खुद की OS के साथ देखने को मिल जाएगा, यानी कि रियलमी OS हमें मोबाइल फोन पर देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल दोस्तों रियलमी U2 स्मार्टफोन पर हमें एक अच्छी स्पेसिफिकेशन मिलती है। प्राइसिंग की बात करें तो दोस्तों मोबाइल फोन के प्राइस हमें दोस्तों 15,000 से 20,000 रुपये के बीच में देखने को मिल जाएगी, बट दोस्तों अभी कहना मुश्किल है कि मोबाइल फोन की लॉन्च डेट कब है, क्योंकि दोस्तों अभी तक कोई ऑफिशियल कन्फर्म लॉन्च डेट सामने नहीं आ पाई है। लेकिन दोस्तों लीक्स और रूमर्स की माने तो ये स्मार्टफोन हमें आने वाले महीने में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन को जरूर दबाएं। और दोस्तों लेटेस्ट टेक न्यूज पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।